أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے حمد و ثناء کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات قدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی عشوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اپنی نصرت کو اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اثر پہ نادل فرما دیا تھا
इसी किताब हमीद के एक अजीम शान उनवान यानी फ़ज़ाइल सहाबा के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार करने का सिलसिला जारी और सारी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अहले ईमान के उन तबकात में शामिल हैं जिन्हें यह शर्फ़ अजीम हासिल हुआ कि उन्होंने हालत बेदारी में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर की ज़ियारत की थी, और जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर की ज़ियारत कर लेता था हजरत ग्रामी कदर ईमान की हालत के अंदर उसको जो सुकून आता था, जो करार आता था, आपकी सोहबत से जिस तरह वह मुस्तफ़ीद होता था हजरत ग्रामी कदर हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़े हतीब, बड़े आलिम, बड़े शेखुल हदीस की मजलिस में बैठ के भी इंसान को सुकून मिलता है उनकी बातों को सुन के, इनके मुआइज़े हसना को सुनकर, उनके इरशादात आलिया को सुनकर। लेकिन उनको कितना सुकून मिला होगा जिन्होंने अपने कानों से खुद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक को सुना होगा। हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ ईमान भी हैं और मरकज़ मोहब्बत भी। चुनाचे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का होना और आपके अहद को पा लेना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और इसी हवाले से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने सहाबा किराम से मुलाकात की है, और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने ताबईन इज़ाम से मुलाकात की है। हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को करने वाले ये लोग, उनके बारे में अहले ईमान का क्या अकीदा होना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिर और अंसार सहाबा के जिक्र के बाद ये बात कही, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादहिम, जो उनके बाद आए उनका क्या फरमान था? वो अल्लाह की बारगाह में आके एक ही बात कहते रहे, रब्बाना अग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, अल्लाह हमारे भाई जो हमसे पहले ईमान के ऊपर दुनिया से रुखसत हुए, रब्बाना अग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह उनको मुआफ़ फरमा दे, वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल के अंदर अहले ईमान के बारे में किसी कजी को पैदा न फरमा, रब्बाना इन्नका रऊफुर रहीम, परवरदिगार आलम आप रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। हजरत ग्रामी कदर इसका मतलब है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के बारे में मोहब्बत होना, उनके बारे में अकीदत होना और उनके लिए दुआए मगफरत को करना, ये अहले ईमान का शेवा है। गोया के अहले ईमान कुल तीन तबकात में तकसीम हुए, एक वो तबका जो हजरत रसूलुल्लाह के अहद मुबारक में था और उसके दो हिस्से थे, एक मुहाजर सहाबा थे और एक अंसारी सहाबा थे, और तीसरे वो लोग जो हजूर अलैहिस्सलाम की आमद के बाद दुनिया में जलवागर हुए। हजरत ग्रामी कदर उन जो बाद में जलवागर होने वाले लोग थे, चूँकि वह दीन के बराह रास्त शाहिद नहीं थे, इसलिए दीन की शहादत देने वालों, दीन की गवाही देने वालों और दीन के शायर को और दीन के अहकामात को और दीन के मामलात को वाज़े करने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में उनके दिलों में अकीदत, एहतराम, मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त, वक़ार, ये सारी चीज़ें अपनी पूरी इंतहा के ऊपर पहुँची हुई थी। हजरत ग्रामी कदर सहाबाए किराम खैरुल बरिया हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से दुश्मनी रखने वाले, उनसे इनाद रखने वाले, उनसे बुगस रखने वाले, हाँ वो अपने आप को सुन्नी भी क्यों ना कहलवाते रहें, हजरत ग्रामी कदर वो हर एतबार से काबिले मुज़म्मत हैं, वो हर एतबार से काबिले गिरफ्त हैं, वो हर एतबार से काबिले जो हैं एहतसाब हैं। हजरत ग्रामी कदर अहद हाज़र के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का फितना हमारे सामने है, इससे पहले भी इस तरह के फितने आते रहे। मौली साख जालवी का फितना भी हमारे सामने गुजरा, वो हमने उसको अपने अहद के अंदर पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अहद के अंदर इस तरह के लोग आए। हजरत ग्रामी कदर राफजी उल फिकर लोग जो थे, वो हर एतबार में सहाबा हर दौर के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तजहीक कर कर और उनके ईमान को जो है उन पर हमला करके लोगों के जहनों के अंदर तशकीक का बीज बोते रहे और हजरत ग्रामी कदर लोगों को अंधेरों के रास्तों पे धकेलते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इकराम हमीद में समर का ऐलान फरमा दिया, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबी गैरा सबीलिल मुमिनीना नवल्लीही मा तवल्ला व नुस्लीही जहन्नम वसात मसीरा, जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहालफत करेगा हिदायत के आ जाने के बाद, व यत्तबी गैरा सबीलिल मुमिनीना, और अहले ईमान
کہ راستے کو چھوڑ دے گا, سبیل المومنین کو چھوڑ دے گا, یعنی صحابہ کرام تابعین عظام اور تبا تابعین عظام یعنی خیر القرون کے لوگوں کے راستے کو چھوڑ دے گا. نولی ہی ما تولا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف پھیر دے گا جس طرح وہ خود اپنے رخ کو پھیر رہا ہے. ونسلی ہی جہنم, اور ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. وہ سات مسیرہ, اور جہنم کے انگاروں کا مقدر, اسی کا مقدر بن جانا بہت ہی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ایک سیمپل کی حیثیت رکھتا ہے, اور میں کئی مرتبہ یہ بات سوچتا ہوں اور حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں جہاں پر ہمیں مقتدا کا پتہ دیا, پیشوا کا پتہ دیا, رہنما کا پتہ دیا, قائد کا پتہ دیا, ہادی کا پتہ دیا, نبی کا پتہ دیا, رسول کا پتہ دیا, اور ساتھ ہی یہ بات کبھی اعلان فرما دیا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ رسول کی پیروی اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے, رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. حضرات گرامی قدر حضور کے فرامین مبارک بھی وعدے تھے, حضور کی سنتیں بھی وعدے تھیں, حضور کی احادیث طیبہ بھی وعدے تھیں, حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ تنہا قائد کا پتہ دیا جائے, تنہا رہنما کا پتہ دیا جائے, تنہا ہادی کا پتہ دیا جائے, تنہا رسول کا پتہ دیا جائے, تنہا نبی کا پتہ دیا جائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فالوورس کا بھی پتہ بتلا دیا کہ فالو اگر کرنا ہے تو فالوور کس طرح کے ہونے چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اگر تمہارا ایمان صدیق جیسا ہوگا اوکے ہے, تمہارا ایمان فاروق جیسا ہوگا اوکے ہے, تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا اوکے ہے, تمہارا ایمان سیدنا معاویہ جیسا ہوگا اوکے ہے, تمہارا ایمان سیدنا حسن و حسین جیسا ہوگا ٹھیک ہے, تمہارا ایمان جو ہے ہر اعتبار سے تسلی بخش ہے, ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, اور اگر تمہارا ایمان کسی اور جیسا ہوا, تمہارا ایمان ابو بکر و عمر کے خلاف ہوا, تمہارا ایمان عثمان و علی کے خلاف ہوا, تمہارا ایمان جو ہے حسن و حسین کے خلاف ہوا, تمہارا ایمان جو ہے سیدنا معاویہ کے خلاف ہوا, تم رافضی ہوئے, ناسبی ہوئے, تم راستے سے بھٹک جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا جو اپنے چہرے کے رخ کو موڑ دے گا وہ شقی القلب بن جائے گا. حضرات گرامی قدر آپ اس بات کو جانتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹریڈنگ کرنے والے ہیں, جو کاروبار کرنے والے ہیں, اور خاص طور پہ ان میں سے بھی وہ لوگ جو ایکسپورٹ کا کام کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر اگر آپ چاول کے ایکسپورٹر ہیں تو آپ چاول کا سیمپل جو ہے آدھا کلو, ایک کلو یا دو کلو کا پیکٹ جو ہے اس کو باہر کی کمپنی کو بھیجتے ہیں. کمپنی والے کہتے ہیں چاول کو تب قبول کیا جائے گا اگر باقی چاول جو ہیں اس چاول سے مطابقت رکھتے ہوں گے, اگر سیمپل کے ساتھ ان چیزوں کی مطابقت نہ ہوئی تو ان کو رد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے سیمپل بنا دیا, خیر البریہ کو بنا دیا, خیر القرون کو بنا دیا, خیر الناس کو بنا دیا, اصحاب النبی کو بنا دیا, صحابہ کرام کو بنا دیا, اہل بیت عظام کو بنا دیا, ازواج مطہرات کو بنا دیا. اور حضرات گرامی قدر جو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے, جو ایمان کے اوپر ابتلاؤں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, اور جو ایمان کی حقیقت کو پا لینے کے بعد اپنے دل میں جگہ دے کر اس کو اپنے عمل کا ایک رخ دینا ہوتا ہے, حضرات گرامی قدر یہ چیز ہم کو صحابہ سے زیادہ کسی کے اندر بھی نظر نہیں آ سکتی. حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام کا مشن کیا تھا, وما ارسلنا من رسول الا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. انبیاء علیہ السلام اسی مشن کو لے کے آئے تھے, نہ شجر کے سامنے جھکو, نہ حجر کے سامنے جھکو, نہ سورج کے سامنے جھکو, نہ ستارے کے سامنے جھکو, نہ مرکت کے سامنے جھکو, نہ مزار کے سامنے جھکو, نہ گنبد کے سامنے جھکو, نہ دیوار کے سامنے جھکو. حضرات گرامی قدر صحیح معنوں میں دعوت توحید جو تھی وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر ایک ایسی چیز مشترک ہے جس میں انبیاء کی دعوت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں اس امر کا اعلان فرما دیا, قل ما کنت بدعا من الرسل, حضرت رسول اللہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے, قل ما کنت بدعا من الرسل, میں نے رسولوں کے دین میں کسی نئی اختراع کو نہیں لے کے آیا, میں نے رسولوں کی دعوت سے کسی الگ دعوت کو لے کے نہیں آیا, میری دعوت وہی دعوت ہے جو جناب آدم کی دعوت تھی, جناب نوح کی دعوت تھی, جناب ابراہیم کی دعوت تھی, جناب اسماعیل کی دعوت تھی, جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت تھی, جناب عیسیٰ روح اللہ کی دعوت تھی. وہ دعوت کیا تھی؟
वो दावत ये थी, सर कट तो सकता है मगर गैरुल्लाह के आस्ताने पे नहीं झुक सकता, हाथ कट तो सकता है मगर गैरुल्लाह के आस्ताने पे नहीं फैल सकता। सजदे के अंदर जाने के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला का दर होना चाहिए। जबीन नियाज को अगर बनाया है, मालिक कायनात ने बनाया है, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन। हजरत ग्रामी कहते जब इंसान गैरुल्लाह के आगे झुक जाता है गोया वो असफलुस्साफिलीन के अंदर चला जाता है, गोया के वो आसमान की बुलंदियों से गिरकर किसी ऐसे मुकाम के ऊपर चला जाता है जो पस्तियों का मुकाम है और उसको कोई खाने वाला परिंदा उचक लेता है, उसकी हकीकत कोई भी नहीं होती। मासालु अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में दो तरह के दरख्तों की मिसाल दी। ज़राबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। कलमाए तय्यिबा की मिसाल यूं है, गोया के एक दरख्त की काश्तकारी को किया गया, उसके बीज को बोया गया, वो दरख्त परवरिश पाता रहा, बढ़ता रहा, अब उसकी जड़ें तो जमीन के अंदर हैं, वह फरुहा फिस्समा, और इसकी बुलंदी का आलम यह है कि उसकी फरा ने उसकी शाहों ने आसमान को भी ढांपा हुआ है। वह मसलु कलिमतिन हबीसतिन का शजरतिन हबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्ज़ी मालहा मिन करार। और कलमाए हबीसा की मिसाल यूं है, गोया के जमीन के ऊपर एक बेल पड़ी हुई है और हजरत ग्रामी कदर उस बेल के अंदर कोई ताकत मौजूद नहीं है। मसलु कलिमतिन हबीसतिन का शजरतिन हबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्ज़ी मालहा मिन करार, उसको कोई भी करार हासिल नहीं है। हजरत ग्रामी कदर उसको उखाड़ के जब मर्दी परे फेंक दिया जाए, गोया के कलमाए तय्यबा की दावत देने के लिए अंबिया भी तशरीफ लाते रहे और हजरत रसूलुल्लाह भी तशरीफ लाते रहे, सहाबा को यह एजाज हासिल हुआ। मैंने कलमाए तय्यबा को पढ़ा, लॉरेंस रोड के मिंबर के ऊपर खड़े होकर पढ़ा, मैंने कलमाए तय्यबा को पढ़ा, अलहमरा हॉल के अंदर खड़े होकर पढ़ा, मैंने कलमाए तय्यबा को पढ़ा, पर्ल कॉन्टिनेंटल के किसी इज्तिमा में पढ़ा, मैंने कलमाए तय्यबा को पढ़ा, मीनारे पाकिस्तान के किसी इज्तिमा में पढ़ा, मैंने कलमाए तय्यबा को पढ़ा, काला शाह काकू में किसी मुकाम के ऊपर पढ़ा, मैं कलमाए तय्यबा का विर्द करता रहा। आप जिंदाबाद और मरहबा के नारे लगाते रहे, मैं कलमाए तय्यबा का विर्द करता रहा। आप अहलन व सहलन मरहबा कहते रहे, मैं कलमाए तय्यबा का विर्द करता रहा। आला पोशाक को पहन के करता रहा, आला वास्कर को पहन के करता रहा, आला टोपी को पहन के करता रहा, लेकिन हजरत ग्रामी कदर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने कलमाए तय्यबा का विर्द जो है अहलन व सहलन मरहबा की आवाज़ों के दरमियान नहीं किया। सहाबाए किराम को हिर्रा की तपती हुई सरजमीनों के ऊपर लटाया गया, उनके सीने में संगे गिरा को रखा गया, उनको झुलसाया गया, उनको तड़पाया गया। हजरत ग्रामी कदर उनके वजूदों को चिचराया गया, उनकी आंखों में दिया सलाइयों को फेरा गया। हजरत ग्रामी कदर उनको वतन के अंदर जो था उनका सोशल बायकॉट किया गया, उनको जो था उनका मुकातिया किया गया, उनको महबूस किया गया, उनको हिजरतों के ऊपर मजबूर किया गया। हजरत ग्रामी कदर ऐसे आलम के अंदर उनको अपने दीन के दिफा के लिए तलवारों को उठाना पड़ा, उनको अपने दीन के दिफा के लिए नेसों को उठाना पड़ा, उनको अपने दीन के दिफा के लिए जो था तीरों को उठाना पड़ा। हजरत ग्रामी कदर बिलाल हबशी को हिर्रा की तपती हुई से जमीन के ऊपर लटाया हुआ है, उसके सीने के ऊपर संगे गिरा को रखा हुआ है। बिलाल तड़प रहा है, सिसक रहा है, लेकिन सिसकते के दौरान भी बिलाल की जुबान से एक ही आवाज आ रही है, आहत आहत के नारे बिलाल लगा रहा है, तो हीद का तुराना सुना रहा है। हजरत ग्रामी कदर लोगों को नगमाए तो हीद सुनाकर अल्लाह की अलूहियत की तरफ बुला रहा है और इस बात को साबित फरमा रहा है। फइन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। हजरत ग्रामी कदर कहने वाले ने क्या खूब कहा, रह गई रस्म अजा रूह बिलाली न रही, और फलसफा रह गया और तलकीन गिजाली न रही। हजरत ग्रामी कदर आज हम भी तो हीद के दावेदार हैं, लेकिन मुझे ये बात बतलाइए, क्या मेरी तो हीद बिलाल की तो हीद जैसी है, क्या मेरी तो हीद जो है हब्बाब की तो हीद जैसी है, क्या मेरी तो हीद जो है समैया की तो हीद जैसी है, क्या मेरी तो हीद जुन्नैरा की तो हीद जैसी है, क्या मेरी तो हीद आले यासर की तो हीद जैसी है, क्या मेरी तो हीद मुहाजरीन मक्का की तो हीद जैसी है। हजरत ग्रामी कदर मैं तो हीद का तराना पूरे अमन के हालत में करने के लिए तैयार हूँ, जब मैं इब्तला के अंदर होता हूँ हजरत ग्रामी कदर मेरे अंदर जो है मायूसी छा जाती है, मेरे अंदर जो है शैतानी असरात जो है वारद हो जाते हैं, मेरे ऊपर कनूतियत का हमला हो जाता है। हजरत ग्रामी कदर सहाबा इकराम का अंदाज क्या था, जो रवा हूँ मंजिल इश्क में ना नशेब हो ना फराज हो, जो रवा हूँ मंजिल इश्क में ना नशेब हो ना फराज हो। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुशी की हालत में भी अल्लाह अकबर के नारे को लगाने वाले, गम की हालत में भी अल्लाह अकबर
अकबर के नारे को लगाने वाले, खुशी के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने को सुनाने वाले और गम की हालत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने को सुनाने वाले हजरात गिरामी कदर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह मजमाईन का मनहज क्या था? उनका मनहज ये था, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के हिजान ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात गिरामी कदर खिलते हुए फूलों के दौरान भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाया गया और पतझड़ के दौरान भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाया गया और झाड़ की रातों के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाया गया और चिलचिलाती हुई दोपहरों के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को देखा, उनके ईकान को देखा, उनको नेज़ों की अन्नियों के उजथा उनको रक्स करते हुए देखा, उनको तलवारों को बेनियाम करते हुए देखा, उनको हिजरतें करते हुए देखा, उनको सोशल बायकॉट का शिकार होते हुए देखा। मेरे परवरदिगार आलम को सहाबा का ईमान कितना पसंद आया, मेरे परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फईना मनु बिमिस्ली मा मंतुम बिही फकद इहतदऊ, अगर तुम्हारा ईमान इन जैसा होगा तो मैं तुम्हारे ईमान को कबूल कर लूंगा, अगर तुम्हारा ईमान इनके ईमान के मुताबिक ना हुआ मैं तुम्हारे ईमान को कबूल नहीं करूंगा। हजरात गिरामी कदर नगमाए तौहीद को सुनाने वाले सहाबा, अरश के रब की किबरियाई को सुनाने वाले सहाबा, बैतुल्ला शरीफ के अंदर गर्दन को झुकाने वाले सहाबा और ऐन मैदाने कारज़ार के अंदर सजदे की हालत में चले जाने वाले सहाबा, सीमा हुम फी वुजूहिम मिन असर सुजूद, उनकी पेशानियों के पर सजदों के असर की वजह से मेहराब चमकते हुए नजर आते थे। हजरात गिरामी कदर सैयदना अली अल मुर्तदा का खुतबा जो नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है, उसके अंदर आपने सहाबा की शान को किस अंदाज में बयान फरमा दिया, मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा है, वो दिन के वक्त हालत रोजा में होते थे और रात के वक्त जो थे वो हालत सजदा में होते थे। हजरात गिरामी कदर उनके रुकू और सुजूद का जिक्र परवरदिगार आलम ने कलामुल्लाह का हिस्सा बना दिया, उनके सजदों के आसार को अल्लाह तबारक व तआला ने फकत कलामुल्लाह का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि उनकी तलवारें जिहाद को अल्लाह तबारक व तआला ने तुरात व इंजील का भी हिस्सा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वादन अलैहि हक्कन फित्तौरात वल इंजील वल कुरान वमन औफा बियहदिहि मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैयिकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनों की जान और मालों के बदले उनके साथ जन्नत की ट्रेडिंग को कर दिया है। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, फयक्तुलून व युक्तलून, और खुद भी अपनी तलवार को चलाते हैं और दुश्मन की तलवारों को भी सहते हैं। वादन अलैहि हक्कन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वादन अलैहि हक्कन फित्तौरात वल इंजील वल कुरान, अल्लाह का उनके साथ कामयाबी का सच्चा वादा है और वादा जो है फकत कुरान मजीद में नहीं आया बल्कि तौरात और इंजील में भी आया है। वमन औफा बियादी मिनल्लाहि, और अल्लाह से सच्चा वादा किसका हो सकता है? हजरत ग्रामी कदर परवरदिगार आलम से सच्चा वादा किसी का भी नहीं हो सकता। हजरत ग्रामी कदर एक तरफ तो कुरान की आयात बयनात हैं और एक तरफ मुहर्रफ शुदा तहरीफ शुदा इंजील के अल्फाज हैं। हजरत ग्रामी कदर वो 10,000 सहाबा जिन्होंने फतह मक्का में हिस्सा लिया, हजरत ग्रामी कदर उनकी ज़ियाफ़त तबा के लिए आज भी इंजील की शहादत मौजूद है। हजरत ग्रामी कदर इंजील ने शहादत दी तो क्या दी, इंजील ने अल्फाज कहे तो क्या कहे, इंजील ने अल्फाज कहे तो ये कहे, उदावन सीना से आया शहीर पे चमका कोहे फारान पे तुलू हुआ वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम। हजरत ग्रामी कदर सीना का दिकर तो अल्लाह तबारक व तआला ने शहीर का दिकर इंजील और जैतून के साथ किया, सीना का दिकर कोहे सीना का दिकर तूरे सीनीन के साथ किया, और हजरत ग्रामी कदर फारान का दिकर बल्दा यमीन के साथ किया। ये सारे के सारे वही के मराकज हैं। हजरत ग्रामी कदर वो 10,000 कुद्दूसियों के साथ आया, हजरत रसूलुल्लाह 10,000 कुद्दूसियों को लेके आए और हजरत ग्रामी कदर उसके दाने हाथ में आतशी शरीयत थी। हजरत रसूलुल्लाह जिस शरीयत को लेके आए, हुज़ूर अनवर ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, लैलुहा का नहारी हा
कि मेरे दिन मेरी शरीयत की रातें भी रात मेरी शरीयत की रातें भी दिनों की तरह रोशन हैं। हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह के सहाबा अल्लाह की तौहीद के साथ साथ हजरत रसूलुल्लाह से वालेहाना वाबस्तगी का भी इजहार करते रहे, किस अंदाज में करते रहे, किस तरह अपनी जानों को हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात के ऊपर और ज़ाते अशरफ के ऊपर निशावर करते रहे, किस अंदाज के अंदर आपके अहकामात को तस्लीम करते रहे। हजरत ग्रामी कदर इन तमाम बातों का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में आप हजरात के सामने किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मन युज़लिलहु फला हादिया लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरल उमूर मुहदसातुहा व कुल मुहदसतिन बिदा व कुल बिदा व कुल बिदतिन ज़लाला व कुल ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात ग्रामी कदर, जब किसी का ईमान खालस होता है और किसी के आमाल अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं तो जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको जन्नत के अंदर बागात में दाखिल फरमा देंगे, वहीं पर दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ एक अजीब मामला फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने अहले ईमान और अहले अमल की बहुत सी कामयाबियों का जिक्र किया, उनकी बहुत सी खसाइस का जिक्र किया, उनकी बहुत सी हसूसियात का जिक्र किया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सजदों का आलम क्या था, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, वो रातों को सोते कम थे, फ़िक्र आहरत की वजह से वो हड़बड़ा के उठ जाया करते थे। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, और उनकी रातें बिस्तरों के ऊपर गुजरती नहीं थी बल्कि वो हालत सजदा और क़याम में रातों को गुजारा करते थे। औली अल्लाह की कोई भी जमात भी सहाबा किराम की जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को ये एज़ाज़ भी हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम हमीद में समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलुलहुमुर्रहमानु वुद्दा, जो ईमान और अमले साले के रास्ते को इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा कर देगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत आज हमारे दिलों की धड़कन है। सहाबा किराम की मोहब्बत आज हमारी नस नस में और रग रग में दाखिल हो चुकी है। बकवास करने वाले, तबर्रा करने वाले, अल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले, बोहतान तराजियाँ करने वाले, लेट डाउन करने वाले अपने मिशन के ऊपर हैं और हम अपने मिशन के ऊपर हैं। सैयदना सिद्दीक के अकवाल को इस अंदाज में जिक्र करना कि अबू बकर में इतनी जुर्रत थी कि वो ये बात कह सकता, इस किस्म की बकवासियात को मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी और उसके पैरोकार ही कर सकते हैं। हमारा काम तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अदब और एहतराम को उजागर करना है, इसलिए कि वो खैरुल बरिया हैं। और हजरत अल्लामा शहीद की बात याद आ जाती है कि हम तबर्राई नहीं बल्कि हम तवल्ला करने वाले हैं। अबू बकर हो फिर भी तवल्ला, उमर हो फिर भी तवल्ला, उस्मान हो फिर भी तवल्ला, हैदर कर्रार हो फिर भी तवल्ला, हसन हुसैन हो फिर भी तवल्ला, मुआविया बिन अबी सुफियान हो फिर भी तवल्ला, दुबैर हो फिर भी तवल्ला, तलहा हो फिर भी तवल्ला। हजरात ग्रामी कदर तबर्राई नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगे सहाबाए किराम के साथ तवल्लियत को इख्तियार करते रहेंगे। वो हिजबुल्ला, वो अल्लाह की जमीयत जिसने रोमतुल कुबरा की हैबत को मिटा के रख दिया और कलीसा के जो था सलीब को गिरा के रख दिया और किसरा के आतिशकदे को बुझा के रख दिया। हजरात ग्रामी कदर, उन सहाबा की जमीयत और उनके कारहाए नुमाया को सल्यूट करते रहेंगे और उनको सलाम अकीदत पेश करते रहेंगे और उनकी बारगाहे सहाबियत में गुलदस्ता हाय अकीदत को निछावर करते रहेंगे और उनको जिंदाबाद कहते रहेंगे। और जो भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ऊपर तबर्रा करेगा, उनकी तनकीस करेगा, चाहे वो सिद्दीक की तनकीस करे, चाहे वो फारूक की तनकीस करे, चाहे वो उस्मान अली की तनकीस करे, चाहे वो मुआविया बिन अबी सुफियान की तनकीस करे, हजरात ग्रामी कदर हम तनकीस करने वाले गिरोहों का ताकुब करते रहेंगे। और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से फ़ज़ाइल सहाबा और अहले बैत इज़ाम का प्रचार करते हुए हजरत अल्लामा शहीद भी इस दुनिया से रुखसत हुए। और आपको पता है पिछले साल एक खास
टोले ने मेरे खिलाफ पूरा का पूरा महास खड़ा कर दिया। मकसद क्या था कि मुझे सहाबाए किराम की मदा से रोक दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने पहले भी ये बात कही है और आज फिर कह देना चाहता हूँ, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, जहीर के लब हिलते हैं पयंबर की सनाहानी में, और फकत पयंबर की सनाहानी में नहीं हिलते बल्कि गुलामान मोहम्मद की सनाहानी के अंदर भी मेरे लब हिलते रहेंगे। जो हजूर का है मैं उसका हूँ, जो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अली मजमाइन हजरात ग्रामी कदर, क्या खूबसूरत किसी ने बात कही बल्कि मोटो बना लिया। सहाबा का जो गुलाम है वही हमारा इमाम है, सहाबा का जो गुलाम है वही तो हमारा इमाम है, सहाबा का जो गुलाम है हजरात ग्रामी कदर वही तो हमारा मुक्तदा है। हजरात ग्रामी कदर हिजबुल्लाह की तश्कील के जुमला अनासर सहाबा ने पूरे कर दिखलाए और इंशाल्लाह उन्हीं अनासर को आज के दौर के अंदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम भी जमा करने की जस्तजू कर रहे हैं। हजरात ग्रामी कदर सहाबा इकराम ने तश्कील क्या किया, वमन यतवल्लाह वमन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीन आमनू फइन्न हिज़बल्लाह वमन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीन आमनू फइन्न हिज़बल्लाह हुमुल ग़ालिबून। जो अल्लाह का दोस्त है, जो रसूलुल्लाह का दोस्त है और जो अहले ईमान का दोस्त है, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल ग़ालिबून, तो अल्लाह के ग्रोह के ऊपर कोई ग्रोह गलबा नहीं पा सकता। इंशाल्लाह पूरी शिद्दतों पूरी कुव्वत के साथ, तवानाइयों के साथ, हिम्मतों के साथ, वसाई के साथ अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत का काम करेंगे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नहे नकूश कदम के अहिया की जस्तजू करेंगे। हजरात ग्रामी कदर चौक बेगम कोर्ट में 23 मुहर्रम उल हराम को इस दफ़ा भी अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़्लो करम से फ़ज़ाइल सहाबा का प्रचार भरपूर तरीके से किया जाएगा। तमाम दोस्त अहबाब चौक दर चौक, फौज दर फौज, गिरोह दर गिरोह शामिल हों और उस दिन इंशाल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के ऊपर पर्चा कटवा के छोड़ेंगे और इंशाल्लाह उसको हवालात के अंदर भी बाद अदा पहुँचा के छोड़ेंगे। हजरात ग्रामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, जो सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना मुगीरा बिन शोबा और सैयदना अमर इब्न अल आस जैसे सहाबा की गर्दन के ऊपर तलवार को रखने की बात करता है, क्या उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात ग्रामी कदर इंशाल्लाह पर्चा कटवाया जाएगा और मिर्ज़े को हवालात के अंदर भिजवाया जाएगा और उसकी जुबान बंदी के ऑर्डरों को जारी करवाया जाएगा और उसकी बकवास को बंद करवाया जाएगा और उसकी हरदासराई का रास्ता रोका जाएगा और इस मुल्क को इंशाल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के मद्दाहीन का मुल्क बनाया जाएगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़्य सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।